लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है ये लड़का? कौन है ये लड़की? इनकी जिंदगी में हुआ क्या था? ये लीजिए वो दवाइयाँ जो आपने मंगाई थी। मेरे पापा ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब, हाँ? आप ऑपरेशन करते समय क्यों ड्रिंक्स पीते हैं? मैंने ऐसे ही कई ऑपरेशन किए हैं। मेरा हाथ चला गया इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर दी तूने। तेरे जैसे डॉक्टर को दुनिया में जीने का हक नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ।
नहीं साहब नहीं, मुझे मत मारो साहब, मैंने कोई गलती नहीं की। गवाहों के बयानात के आधार पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुजरिम केशव को 6 महीने कैदे बामशक्कत दी जाती है। नहीं बेटा, ये तू क्या कर रहा है? मैं उसे मार दूंगा। बिगड़ना आसान है बेटा, बनना बहुत मुश्किल है। एक डॉक्टर जीवन बचाने वाला ब्रह्मा होना चाहिए, एक वकील को न्याय करने वाला विष्णु होना चाहिए, और एक पुलिस वाले को अन्याय का नाश करने वाला शिव होना चाहिए। हमारे घर से एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील और एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना जरूरी है। आज से तुम इन तीनों के भाई नहीं, बाप हो, बाप। आज से मैं अपना बोझ तुम पर डालता हूँ। बेटा, तूने अपने भाइयों को शहर भेज दिया, ये मत समझना कि तू यहाँ अकेला है। यहाँ हम दोनों है ना तेरे साथ। मैं तेरी नानी हूँ और ये मेरी पोती लक्ष्मी तेरी मुंह बोली बहन है। बेटा, पढ़ाई करने के लिए तूने अपने भाइयों को शहर तो भेज दिया, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगा? मेरे साथ माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान का साथ है, देखना सब ठीक हो जाएगा। राजा ने बहुत मेहनत करके अपने तीनों भाइयों को पढ़ाया, उसमें से एक को वकील, दूसरे को पुलिस इंस्पेक्टर और तीसरे को डॉक्टर बना दिया, और आज ये तीनों त्योहार मनाने गांव आए हैं। ए सुन लो सभी, ए आज सारे, ए चुन्नू मुन्नू ढूंढवा पांडवा सोनू मोनू चंगू मंगू बोरी बंदर लाल बाग बोरी वाली रहने वाले। पब्लिक सभी है यही, तिरुपति बालाजी का साथ मिले फिर न झुकेंगे किसी से कभी। अरे हमको कौन मिटाएगा, मिट्टी में वो मिल जाएगा। हमको कौन मिटाएगा, मिट्टी में वो मिल जाएगा। अब कोई भी अकेला नहीं, तिरुपति बालाजी का साथ मिला। किसी को रुकना पड़ेगा, आगे ही बढ़ते जाना, अब तो आगे ही बढ़ते जाना। कोई ना ऐसी हिम्मत करेगा, मालूम किसे पंगा, उसे मालूम है किसे पंगा। अरे यारो मेरे पास तुम्हारे आज एक मौका, अरे यारो मेरे पास तुम्हारे आज एक मौका। दुश्मन के इरादों को हम चूर चूर कर दे, दुश्मन के इरादों को हम चूर चूर कर दे। हमको कौन मिटाएगा, मिट्टी में वो मिल जाएगा। हमको कौन मिटाएगा, मिट्टी में वो मिल जाएगा। अब कोई भी अकेला नहीं, तिरुपति बालाजी का साथ मिला। इतना पाएगा सत्य से काम चले, जब सत्य से काम चले। इंसाफ मिलने में ना होगी देरी, बोलो सत्यमेव जयते, बोलो सत्यमेव जयते। हे गरीबों को है सहारा अच्छे इंसानों का, गरीबों को है सहारा अच्छे इंसानों का। तिरुपति बालाजी का साथ सदा, तिरुपति बालाजी का साथ सदा। हमको कौन मिटाएगा, मिट्टी में वो मिल जाएगा। हमको कौन मिटाएगा, मिट्टी में वो मिल जाएगा। अब कोई भी अकेला नहीं,
मिसर पब्लिक सभी है यही, तिरुपति बालाजी का साथ मिला। क्या बेटी कॉलेज जा रही हो? ये लो अपना टिफिन। नहीं चाहिए टिफिन, कुछ भी नहीं चाहिए, आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। नानी, कॉलेज का टाइम हो गया है, इसको बोलो जल्दी से बस में बैठने के लिए। इसने बोल दिया तो क्या मैं बैठ जाऊंगी? कॉलेज के कुछ लड़के मस्ती मजाक करते हैं, पर ये उन्हें कुछ नहीं कहता, शर्म आती है भाई कहते हुए। नानी, कॉलेज जाकर बस ही हु करेगी तो वो लोग भी इसके साथ मजाक मस्ती करेंगे ना। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बहुत बोलते रहते हो, बस का ख्याल रखते हो, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकते? अगर सगे भाई होते ना तो कॉलेज में जाकर उन लड़कों को ठीक कर देते। सुनो नानी, मैं मुंह बोला भाई होकर भी सगे भाई की तरह इसकी देखभाल करता हूँ। चुपचाप इसको बस में बैठने को बोलो, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगा। आजकल तुम दोनों मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हो। तुम लोग चुपचाप से जा रहे हो कि तुम पर गर्म पानी फेंक। क्या बुड्ढी सचमुच गर्म पानी फेंक देगी? चल जल्दी जा। हाँ जा रही हूँ। आज तो ये गर्मा गर्म जलेबी लग रही है यार। हाँ बिल्कुल, चाशनी में डूबी हुई। तो क्या लगता है खा लें इसे? आज तो इसे चखना ही होगा। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आपको कोई शहरी लड़की को लाइन मारना चाहिए, कहा ये गांव की लड़की के पीछे पड़े हो? देखिए मैं इसका भाई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। इसके साथ थोड़ा भी वक्त बिताया ना तो समझो तुम्हें पक्का पका के सड़ा देगी। आप लोग हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, इसलिए आप हाई क्लास खूबसूरत लड़कियों के साथ मजाक मस्ती करो। आओ चलो। जरा सुन, वैसे तेरी राय बुरी तो नहीं है, लेकिन हमें हाई क्लास लड़कियों से ज्यादा गाँव की लड़कियाँ बहुत पसंद है, क्यों? सही बोला ना? हाँ भाई, हाय हाय हाय, गांव की लड़कियों में जो बात होती है वो शहर की लड़कियों में। भाइयों, मैंने तुम लोगों को भाई इसलिए बोला ताकि तुम इसे बहन कहो। तुम लोग न्यूट्रल तो मैं न्यूट्रल, तुम लोग फर्स्ट गियर तो मैं फर्स्ट गियर, लेकिन अगर मेरा टॉप गियर लग गया ना तो तुम्हारा रिवर्स लग जाएगा। कॉलेज में हूँ इसलिए कम मारूंगा। अगर कॉलेज के बाहर होते ना तो भगा भगा कर मारता, घुमा घुमा कर पटकता, इतनी बुरी तरह मारता कि हाई क्लास लो क्लास सब एक क्लास हो जाता। कसम पैदा करने वाले की, राजा बजा देता तुम सब का बाजा। तो क्या खड़ी, चल। मेरे लिए दिल में इतना प्यार है तो फिर दिखाते क्यों नहीं हो? क्या बोली, प्यार वो भी मेरे दिल में और तेरे लिए? इंडिया में और भी कोई लड़की मुसीबत में होती ना उसके लिए भी ऐसे ही खड़ा होता हूँ मैं। ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ, शक्ल देखो अपने आईने में, बड़ा आया हीरो बनने। तेरे बोलने की जरूरत नहीं, मैं पहले से हीरो हूँ, तू अपनी शक्ल देख। चल शक्ल, याद आया, उन लड़कों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की है ना, आज रात को देखो मैं तुम्हारी शक्ल का क्या हाल करती हूँ। कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ पर क्यों ले आए इतनी रात गए? हम नहीं लाए हैं। किसने भेजा तुम्हें? उन्होंने। खेत गए बाबा बाजार गई माँ, खेत गए बाबा बाजार गई माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आजा बाल माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आजा बाल माँ, एक चुम्मा तू मुझको उधार दई दे। तुम लोग हमेशा संडे को किडनैप किया करते थे ना, इस बार फ्राइडे को क्यों किया?
क्योंकि आज से मेरी गैंग ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें फ्राइडे को ही किडनैप करेंगे। क्या कहा गैंग? कौन सा गैंग? जो हैंडसम हो, जवान हो, उसे किडनैप करने का गैंग। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। कल मैंने टीवी पे शाहरुख खान की फिल्म देखी। उसमें ना वो सुनो ना, उसमें ना वो हीरोइन की कमर पकड़कर उस पे तेल लगाकर उसकी मालिश कर रहा था और फिर हीरोइन शर्माकर उसके सीने से लिपट गई। तुम भी मालिश करो ना। नहीं करूंगा। क्या कहा, नहीं करोगे? कहा ना नहीं। गर्ल्स लीजिए मैडम। तुम इतने दिनों से हमें बिना भाड़ा दिए हमारी बस चला रहे हो और अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए हमसे बार बार उधार लेते रहते हो। उधार तो तुम चुका पाओगे नहीं। और जो इस कोरे कागज पर तुम्हारे दस्तखत है ना, तुम्हें पता है इस कागज के जरिए मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जा सकती हूँ। गर्ल्स म्यूजिक। शैलजा मैडम का घर है ना? हाँ, शैलजा मैडम का ही घर है। आप कौन? मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। मैडम कहाँ हैं? मैडम तैयार हो रही हैं। शक्ति शर्मा सब इंस्पेक्टर हो गया है। मैं कौन हूं जानता है ना? पार्टी में लोग पहले मेंबर बनते हैं, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन मैं बिना सीढ़ी चढ़े यहां तक पहुंच गई हूं। हमारे देश के कई नेता जब असेंबली के बाहर मिलते हैं तो मिलने के लिए मेरे घर पर आते हैं, पता है ना? उस टाइम की धारावी की मुत्री के सामने गांजा बेचने वाली आज इस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर बन गई है और आज मुझे शपथ दिलाने के लिए गवर्नर भी रुका हुआ है। तेरा मेरा पुराना हिसाब बाकी है और इसीलिए मैं उसी पुरानी साड़ी में बैठी हुई हूँ। ए, याद है ना उस दिन तूने मुझे गांजा बेचने के जुर्म में अरेस्ट किया था? याद है ना? याद है मैं कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, तेरा पैर भी पकड़ा था, लेकिन तू तो माना ही नहीं। हाँ, आज तू गिड़गिड़ा। ए, तेरे पुराने रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। तू क्रिमिनल है, एमएलए बनने के लायक नहीं है और मैं तुझे कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगा। मेरा पैर पकड़। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बात है। जब तक जिंदा हूँ पैर पे नहीं गिरूंगा, ऐसे ही बोला था ना। देख तो क्या हाल किया इसका। टपका दिया, साले को बहुत चर्बी थी। ए, चल दूसरी साड़ी दे, मेरे को शपथ के लिए जाना है ना। ए,
हमारे कॉलेज में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आप खुद यहाँ पधारे हैं, इस बात से हमें बेहद खुशी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिगरेट, बीड़ी, गांजा मैडम को बहुत पसंद है। क्या? मेरा मतलब उन्हें पसंद नहीं है। अभी अभी मैं मदुराई जाकर शराब बंद करने के लिए भाषण देकर आई हूँ, और यहाँ धूम्रपान निषेध के बारे में भाषण दूंगी, और रात में विधुनगर जा रही हूँ, और वहाँ पर मैं वेश्यावृत्ति खत्म करने के लिए भाषण दूंगी। मैडम सोशल सर्विस करने में बहुत आगे हैं, देखो तो कितनी थक गई हैं वो। मैडम 10 मिनट आराम करके फिर स्टेज पे आएंगी। अच्छा रेस्टरूम कहाँ है? मैं दिखाती हूँ। चलिए मैडम। अब हम क्या करेंगे, कहा था 10 मिनट में आऊंगी, अब देखो ना आधे घंटे से रेस्टरूम में ही है। फंक्शन के लिए बहुत देर हो रही है, अब हम क्या करेंगे? कैसी औरत है ये, धूम्रपान निषेध के बारे में भाषण देना और खुद सिगरेट पी रही है। जरा अपना कैमरा तो दो। ये शरीर मिट्टी के लिए और जान आपके लिए। ची 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 ची। सिगरेट को लोग पता नहीं कैसे पीते हैं। ये सोच कर ही मेरे मुंह में कुछ अजीब सा हो रहा है, उल्टी हो रही है। अच्छा ये बताइए, खाने में कोई जहर मिलाकर खाएगा क्या, या फिर दूध में कोई एसिड मिलाकर पिएगा क्या? क्योंकि ये चीजें खतरनाक होती है, और उससे भी खतरनाक है सिगरेट पीना। मैं तो कहती हूँ कि सिगरेट पीने वालों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और तभी ये देश कामयाब होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी बताओ तो सही, तुम कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी रुक जाओ, चुप रहो तुम लोग। इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, कल के पेपर में इसकी फोटो देखा ना, इसका सारा भांडा फोड़ दूंगी, मंत्री पद से हटवा दूंगी इसे। मेरी फोटो शाम के न्यूज़पेपर में छापने की सोच रही थी, लेकिन देख क्या हुआ, मैं तुझे उठाकर यहाँ पर ले आई। तुझे मालूम है वो न्यूज़पेपर मेरे पैसे से चल रहा है। तेरा काम क्या है? कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, परीक्षा देना, पास होना, और मनपसंद लड़के से शादी कर लेना, और उसके साथ घर बसाना। लेकिन तू तो ये सब छोड़कर पॉलिटिक्स में टांग अड़ा रही है। तूने तो मुझे सिर्फ सिगरेट पीते हुए देखा है ना, लेकिन गांव में मैं दारू पीकर अचार भी चाटा करती हूँ। तब तक गांजा पीती हूँ जब तक आंखें लाल ना हो जाए, और बहुत सारे गलत। छोड़ना, तुझे क्या करना है, तू तो बहुत प्यारी बच्ची है। तू ना कॉलेज जाने वाली लड़की है और मैं गटर हूँ। हाँ ए कालिया, ये लड़की कैसी लगी? हाँ है ना, किसी कश्मीर की कली की तरह ताजा ताजा। अब पता क्या होगा इसके साथ, अब तो ये शीला की जवानी मुन्नी की तरह बदनाम हो जाएगी। दीदी। क्या दीदी दीदी लगा रखा है, मौका दिया है मार दे चौका, चख ले इस गली को। अरे, अरे कहाँ भाग रही है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दी, मुझे जाने दो। उठ जा रोती हुई कली, घबरा मत, यहाँ कोई तेरा बलात्कार नहीं करेगा। ये तो अपना पुराना स्टाइल है, जब भी कोई मुझसे पंगा लेता है ना, मैं उसे अपने पैरों पर गिराती हूँ। कान खोल कर सुन ले, अगली बार तूने कुछ ऐसा किया ना तो ये फोटो मेरे पास है, जब तेरी शादी होगी तो ये फोटो लड़के वालों के पास पहले पहुँचेगी। इस लड़की का भाई है। ओ, 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 ओ,
हड्डियां तोड़ दो इस साले की। में कोई नहीं आएगा। शीला शीला की जवानी। ए, सब लोगों को अच्छा मौका मिला है। कितने दिनों से इसके सामने खड़े होकर इसे ऊपर से नीचे तक देखते रहे लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि ये तुम्हें पगार जो देती है। लेकिन आज कोई टेंशन नहीं, मैं खड़ा हूँ। तुझे गले लगना है जा, बिंदास गले लग जा। सर, वो मैं मैडम के साथ मैं, लेकिन वो। अरे मौका मिल रहा है, जा लपेट ले इसे बाहों में, चल जा। मोटे, राजनीति में आई हो, मिनिस्टर बन गई हो, असेंबली में जाती हो, भाषण देती हो, उसके बाद एक दिन रिटायर होकर किसी रईस बिजनेसमैन के साथ शादी करके लाइफ में सेटल भी हो जाओगी। उस लड़की की जिंदगी के साथ खेलना छोड़कर अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। फिलहाल इस कैमरे का कोई काम नहीं है। जब तू फिर से इलेक्शन में खड़ी होगी ना, उस वक्त मैं इसमें से सारे फोटो निकाल कर तेरे पोस्टर हर दीवार पर चिपकाऊंगा। कसम पैदा करने वाले की, जिसे देखकर हंगामा मच जाएगा। ये सब बोलकर किसी औरत को धमकी देना मेरा स्टाइल नहीं है। पकड़। राजा रखता है हर खबर और हिसाब करता है बराबर। चलता हूँ। हरामजादे, तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये डॉक्टर भाई को, ये लॉयर भाई को, ये पुलिस भाई को, ये हो गई उनकी आखिरी फीस। पापा, आपके साथ जो अन्याय हुआ वो इस देश में किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई की फिक्र ना करते हुए दिलो जान से मेहनत की और अपने तीनों भाइयों को पढ़ाया है पापा। पापा, आपकी इच्छा के अनुसार हर एक भाई को कुछ ना कुछ बनाया है। एक को डॉक्टर, एक को लॉयर
और एक को पुलिस वाला बना दिया ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। ये तीनों देश की सेवा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो अपना नाम इस दुनिया में जरूर रोशन करेंगे। यही मेरी दुआ है पापा। और मेरे डॉक्टर भाई, पैसा मिल गया ना? हाँ मिल गया, थैंक्स। अरे थैंक्स वैंक्स छोड़, तू बड़ा डॉक्टर बनकर हजारों गरीब लोगों का बिना पैसे के इलाज करना, तेरे भाई को तुझसे बस यही उम्मीद है। अरे तू चिंता मत कर, एक बार डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाने दे, उसके बाद मैं सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। सब कुछ तैयार है ना? हाँ तैयार है बॉस। अरे बॉस हम यहाँ तेल गिरा देते हैं, तरन्नुम उधर से आएगी, इस पर उसका पैर पड़ेगा, वो फिसल जाएगी, आप उसे बचाकर उसकी नजर में हीरो बन जाइएगा। रास्ता मैंने बनाया ताकि गाड़ी मैं चलाऊं, लेकिन ये मजे ले रहा है तेरी तो मैं इसको छोड़ूंगा ना।
कॉलेज में क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? स्टूडेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो किसी ने पुलिस को फोन करके क्यों नहीं बुलाया? अरे पुलिस तो है ना। सर बैठिए ना, सर बैठिए बैठिए। सर आपने तो फैसला कर लिया कि आप बस तमाशा देखने वाले हैं, तो आराम से कुर्सी पर बैठ के देखिए जैसे सिनेमा देखते हैं। ये लीजिए ना सर। ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हैं? एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, इतना बड़ा लफड़ा हो रहा है, आराम से बैठकर देखेंगे तो मजा आएगा। वैसे भी पुलिस वालों का तमाशा देखना एक आम बात हो गई है, इसलिए शर्माइए मत, आप आराम से बैठकर इस सब का मजा लीजिए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। क्या है रे, ज्यादा मस्ती चढ़ी है? देखा, गन की आवाज सुनकर कोई भी नहीं रुका, सबके सब यहाँ से भाग गए। ये काम आपको करना चाहिए था। किसी की जान मत लो, किसी को पैर या हाथ पर गोली मत मारो, ऊपर तो मार सकते हो, कम से कम पगार के लिए तो अपना फर्ज निभाओ। घूर क्यों रहे हो? ये सोच रहे हो कि मैं एक पुलिस वाले से इतनी हिम्मत से कैसे बात कर रहा हूँ? गलत काम करने वाले पुलिस वालों को सजा देने आ रहा है मेरा भाई, वो आ रहा है। राजा की इच्छा के अनुसार राजा का पहला भाई शहर का पुलिस कमिश्नर बन गया। राजा का दूसरा भाई बहुत बड़ा वकील बन गया। और राजा का तीसरा भाई विदेश में पढ़ाई करके बहुत बड़ा सर्जन बन गया, और उसने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया। उसी वक्त राजा की मुंह बोली बहन लक्ष्मी को दिल की बीमारी हुई, और वो अपना इलाज कराने के लिए अपने डॉक्टर भाई के पास आई, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगी। नथिंग टू वरी, बस एक ऑपरेशन की जरूरत है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑपरेशन के लिए सारा बंदोबस्त करता हूँ, तुम चिंता मत करो, ओके? मैंने सुबह राजा से कहा कि चल मंदिर होके आते हैं, तो बोला कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई खुद भगवान का रूप है। ठीक है ठीक है, आज मैं आपके सामने डॉक्टर बनकर खड़ा हूँ, सिर्फ मेरे भाई राजा की वजह से। ए राजा, तुम मंदिर जाकर लक्ष्मी के लिए पूजा कर, और देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है नानी, इसका ख्याल रखना, मैं मंदिर जाकर आता हूँ। इनका ऑपरेशन तुरंत करना जरूरी है, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, जल्द से जल्द एनेस्थीसिया का इंतजाम करो। ओके। सुनिए नानी, सिस्टर के साथ जाकर ऑफिस में 2 लाख रुपया भर दीजिए। 2 लाख रुपए? इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगी बेटा? क्या नानी, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं लाए हैं? पर राजा ने तो कहा था कि तुम मुफ्त में ऑपरेशन कर दोगे। मानता हूँ राजा ने कहा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। मैंने बैंक से लोन लेकर यह हॉस्पिटल बनाया है नानी, इस तरह सभी के ऑपरेशन अगर मैं फ्री में करूंगा तो मेरा यह हॉस्पिटल डूब जाएगा। बेटा तू किस तरह की बातें कर रहा है? दिन रात मेहनत करके तुम लोगों को उसने पढ़ाया है, ताकि तुम लोग हम जैसे गरीबों की मदद कर सको। उसने मुझे पढ़ाया है, ये बात बिल्कुल सच है नानी, आप ही बताइए मैं बैंक वालों को क्या जवाब दूंगा। हाँ, मेरी बात का बुरा मत मानिए आप, अगर पैसा भरेंगी तो ही ऑपरेशन होगा। नानी बोलो बेटी। ये जेवर मेरी शादी के लिए रखे थे ना, इसे बेचकर ऑपरेशन के पैसे भर दीजिए। ठीक है बेटा। मेरी भी मजबूरी है नानी, आप एक काम कीजिए, इन जेवरों को बेचकर पैसे जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूं। ठीक है बेटा। सिस्टर हर आधे घंटे में चेक करते रहना। ओके डॉक्टर। ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अब लक्ष्मी की जान को कोई खतरा नहीं है। बहुत धन्यवाद बेटा, तूने जो 2 लाख जमा करने के लिए कहा था वो भर नहीं पाई, सारे जेवर बेचकर सिर्फ 1 लाख रुपया ही जमा हो पाया है। बेटा क्या मैं अपनी पोती को देख सकती हूँ? आप उसे बाद में देख सकती हैं, पहले आप जरा मेरे साथ आइए। क्या नानी, आपको कितनी बार समझाया था, ऑपरेशन खत्म होने के बाद कह रही हो कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? ये कोई बात नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं जानता, आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए, पैसा जमा नहीं हुआ तो मैं पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करूंगा, समझ गए आप? ऐसा मत करो बेटा, मैं काम करके तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी बेटा। ये क्या?
क्या बकवास कर रही हो नानी? इस उम्र में आप कहां से 1,00,000 रुपया कमाएंगी? ध्यान से सुनिए, अगर पूरा पैसा जमा नहीं हुआ तो मैं उस लड़की को हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या कहा तूने? जब तू भूखा था मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुझे खाना खिलाया था, वो एहसान भूल गया है तू? सिर्फ पैसे के लिए एक लड़की की जिंदगी से खेल रहा है तू? तू कभी खुश नहीं रहेगा, ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या हुआ, क्या बात है, ये रो क्यों रही है? ये मेरी नानी है। अच्छा, थोड़ा दिमाग से मैं संभालूंगा, आप लोग जाइए 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 जाइए, मैं सब संभालूंगा, जाइए 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 जाइए। मेरी बात ध्यान से सुन पागल बुढ़िया, मेरे हॉस्पिटल में आके मेरे ही हाथों से ऑपरेशन करा के सबके सामने बेइज्जती की तूने मेरी, अब तू देखती जा मैं क्या करता हूं। जाओ, ऐसा मत करो। सब क्या है, क्या बेवकूफी भरे काम करता रहता है तू? मैं इस शहर का असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हूं और मेरे पावर का इस्तेमाल करके मैं तेरे इस केस को रफा दफा करने की कोशिश करूंगा, और अगर फिर भी ये केस कोर्ट में आ गया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा के तुझे बचा लूंगा। लेकिन ये केस ऐसा नहीं है, इसे हमारा भाई लेकर आया है, उसे क्या जवाब देगा तू? तूने जो खून किया ना उसकी विटनेस वो नानी है, अगर नानी ने राजा को बता दिया ना तो वो तुझे काट देगा। लेकिन हम लोग उस नानी को पहले ही खत्म कर दें तो? श्रीमती शैलजा जिंदाबाद, 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 श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। अच्छा समझता है लेकिन वो बहुत बुरे हैं। ऑपरेशन के पैसे भर नहीं पाई इसलिए तेरे डॉक्टर भाई ने तेरी बहन को मार दिया। मैंने उसको देख लिया था इसलिए उसने गुंडों को भेजकर मुझ पर भी हमला कर दिया।
मेरी बहन कहाँ? मुझे नहीं मालूम। कहाँ है मुझे नहीं मालूम। बोल मेरी बहन के साथ क्या किया? मुझे कहाँ है मेरी बहन? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरी बहन कहाँ है? बोल। अपने भाइयों से राजा को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो सब चकनाचूर हो गईं। उसने अपनी बहन और नानी को खो दिया। अब ये राजा क्या करेगा? नारियल भाई, डर गए क्या तुम लोग? नारियल पानी को मदिरा में मिलाकर पीने का मजा ही कुछ और है। पानी मिलाने से सिर ज्यादा दुखेगा, ये लो। उसकी तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। इसी दुख में हम शराब पी रहे हैं, यकीन करो हमारा। कितने बड़े पापी हैं। अरे ये सब छोड़ो ना, उसकी तकदीर में जाना था तो चली गई। तूने प्लान करके थोड़ी मारा उसे। अच्छा भाई, अब मैं गांव में नहीं रहना चाहता, यहीं कहीं आसपास में किसी धर्मशाला या मंदिर में रह जाऊंगा। hey, महल की तरह हमारा घर है, फिर तू धर्मशाला में क्यों रहेगा? मेरे लिए तो मंदिर अपने भाइयों का महल ही है। तुम तीनों मेरे लिए भगवान समान हो। हाँ भाई, तिरुपति जाए तो बालाजी के दर्शन कर सकते हैं, पलनी जाए तो कार्तिक भगवान के, सबरीमलई में जाए तो अय्यप्पा के दर्शन, लेकिन तुम लोगों के साथ रहूंगा तो तीनों भगवान के दर्शन होंगे। पहला भगवान, दूसरा भगवान, तीसरा भगवान। मेरे भाइयों, मुझे अपने साथ रख लो। मैंने एक फैसला किया है कि आज से हमारा भाई राजा हमारे साथ ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। जरूर सर, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं, कलेक्टर आया। चलो ठीक है। तू तो यहाँ गुस्से में कोयता लेके आया था ना, मुझे लगा तीनों को तू यहीं काट देगा, लेकिन तू तो उनके पैरों में गिर गया। छी, अब मैं समझा, ये तीनों के तीनों तेरे सगे भाई हैं ना, वो बेचारी तो मुंह बोली गई। तूने मुझे थप्पड़ मारा। मैं सारे जुल्मियों को मिटा के रहूंगा। कसम पैदा करने वाले की। मंदिर को दुरुस्त करने के लिए हमारी सरकार फिलहाल 50 करोड़ रुपए दे रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 5 करोड़ से मंदिर बनवाऊं और बाकी के 45 करोड़ से एक 5-स्टार होटल बनवाऊं। अच्छा प्लान है ना? लेकिन ये उस मंदिर का पुजारी कह रहा था, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपको पाप लगेगा। इससे क्या पता कि ऐसे तो सिर्फ पाप लगेगा, लेकिन शैलजा की ना मानने पर सीधे ऊपर जाएगा। देखो, 3 दिन पहले अपेंडिक्स ऑपरेशन के लिए ये शंकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। ऑपरेशन करते वक्त इसकी नस फट गई, ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट दूंगा तो मैटर खत्म। पापा, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, मैं पढ़ाई करके बड़ा डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगा।
मैडम, इसके परिवार से कोई कंप्लेन लिखवाने आया तो मैं कह दूंगा कि इंक्वायरी चल रही है और केस को 6 महीने तक खींच दूंगा। इसके बाद सबूत नहीं है ये लिख कर केस को बंद कर दूंगा। पापा, मैं कसम खाता हूँ मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूंगा। सारे पक्के सबूत होने के बावजूद भी मैं अपने क्लाइंट को केस जितवा देता हूँ। मैं बड़ा वकील बनूंगा और हर गुनहगार को सजा दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे गांव आई थी टूर पर और उस वक्त मैंने एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि तुम उसका बलात्कार कर रहे हो और उसके बाद मैंने कॉलेज में तुम्हें कुछ लड़कों के साथ मारपीट करते देखा तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी और जब तुम्हारे दोस्त कृष्णमूर्ति ने मुझे बताया कि तुमने अपने परिवार के लिए क्या क्या बलिदान किए हैं तो तुम्हारे लिए मेरा नजरिया बदल गया। अरे तुम यहाँ कैसे? अजीब बात है, मेरे गेस्ट हाउस में आकर मुझी से पूछ रहे हो। ये गेस्ट हाउस तुम्हारा है? फिर वो शैलजा? वो मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? राजा, ये सिटी लाइफ है। आजकल हमारे देश में डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिस सबके सब इसी तरह से रहते हैं। जानती हो, गली में घूमने वाला कुत्ता भी कचरे में से खाकर उस गली की रखवाली करता है। लेकिन मेरे भाइयों ने क्या किया? बचपन में जिस नानी ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया उसी की पोती को मार के बीच रास्ते में छोड़ दिया, भूल गए उसके एहसान। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। तो उन्हें सुधारोगे? सुधारना उधारना पुराना स्टाइल है, मैं तो नया स्टाइल दिखाऊंगा। मैं चुटकी बजाते हुए खेल खेलूंगा और उनकी हालत खराब होती रहेगी, उनकी लगाम अब मेरे हाथों में होगी। राजा ने हमेशा बुरे लोगों का बाजा बजाया है, पर इनकी तो मैं बारात निकालूंगा। ऑफिसरों को पैसे देकर तुमने कॉर्पोरेशन की जगह पर स्कूल बना दिया और 50 सालों से ये स्कूल भी तुम चला रहे हो। अगर मैंने अभी कोर्ट केस कर दिया ना तो तुम्हारी ये स्कूल पे ताला लग जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मिनिस्टर से बात करके मैं एक लीज एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ सब कुछ। सॉरी सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th B सर। सर ये क्या, आपने तो कहा था डांस क्लास के लिए आना है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। प्रैक्टिस है लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए सर। अरे पियो तो सही, लो लो। कौन है? हाँ? कौन है? तेरा काल। मेरा काल? ए, कौन है? सामने आप उस्तल। ए! So dangerous, walk into in a trance. Better than me when I'm more than seen. Jump around, jump around, jump around now. Jump around, jump around, jump around now. Yeah, you don't want that thing. Yes, girl, be my lady. Come on, girl.
अंडरग्राउंड क्रिकेट के बारे में तो सुना था, अंडरग्राउंड पहली बार देखा है। अच्छा भाई, अगर वो तेरे सामने आ जाए तो उसको पहचान लेगा जिसने तुझे मारा? उसने हेलमेट पहन रखा था। हेलमेट निकाला तो होगा? आखिर में निकाला था उसने। निकाला था ना। अच्छा भाई बोल, वो काला था या गोरा था, लंबा था या नाटा था, मोटा था या छोटा था? नहीं 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 नहीं, जब उसने हेलमेट निकाला था तब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, दिखाई नहीं दिया, मतलब उसने ये सब प्लान करके किया था। हीमैन की तरह घूम घूम कर मारा और सुपरमैन की तरह भाग गया। मेरी बात तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मेरे बिना कोई भी अकेले बाहर नहीं जाएगा, और अगर वो तुम्हें मिल गया तो कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि वो मेरा शिकार है। उसे मैं अपनी हथेली पर रखकर ऐसे ऐसे मसल दूंगा। सॉरी, जज्बाती हो गया था, ज्यादा लगी तो नहीं ना? तुम हिलो मत। अरे रे, ये क्या हो गया? हेलो, कैसी हालत है? क्रिकेट खेलकर मजा आया या नहीं? काला कोट पहनकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय छोटी लड़कियों की इज्जत लूटने के लिए घूमता फिरता है। तू, तुझे शर्म नहीं आती? ए, कौन है तू? हे, कौन मुझे? हे, कौन बोल रहा तू? क्या चाहिए तुझे? कहां से बोल रहा तू? अबे चोर, मैं तुझसे बाद में हिसाब बराबर करूंगा, पहले फोन उस हवस के पुजारी को दे। हे, दे नहीं तो फोन में घुस के मारूंगा। हे, तुझे तेरे घर वालों ने वकील क्यों बनाया? ताकि तू वकील बनकर चार परिवारों का भला करे, चार मुजरिमों को सजा दिलवाए, लेकिन आज तो खुद ही मुजरिम बनकर बैठा है। ए, तू वकील बना फिरता है ना, कसम पैदा करने वाले की, तेरा फैसला मैं करूंगा, समझा? ए, कान खोल कर सुन ले, अगर तूने कोर्ट में कदम रखने की हिम्मत भी की ना, तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ए, मुझे कोर्ट जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझा? ए, अभी तो घर में इलाज चल रहा है, अगली बार हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। कल रात की तेरी सारी काली करतूत को सीडी में रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, उसे मैं जब चाहूं टेलीकास्ट करवा दूंगा और सब तेरे पर थू थू करेंगे। देखो देखो, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी मेरी बात सुनो, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। बेईमान धोखेबाज कमीने कुत्ते, इस तरह की गालियां कोई मेरे भाई को दे रहा है? ये बात किसी को बाहर मत बताना, तू मेरा दोस्त है इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरे भाई की इज्जत चली जाएगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर वो मेरे सामने आया तो उसे एक खींच कर। अरे भाई, ये क्या, मैंने गलती से तुम्हें मार दिया, मुझे माफ कर। ठीक है ठीक है, तूने गलती से मारा ना, जानबूझ के तो नहीं मारा ना, क्या बच्चों की तरह रो रहा है? चुप हो जा, चुप हो जा ना, तू डर मत, वो कोई भी होगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, समझ गया ना मेरी बात? चल अब चुप हो जा। भाई, हम लोग उसका नंबर ट्रेस करते हैं, करो करो, तब तक तुम भाई का ख्याल रखना। आप दोनों संभल कर जाओ, मुझे कोई फायदा नहीं, वो कहीं ना कहीं से तुम्हें ढूंढ ही लेगा। अरे ना समझो को समझाने आया रे राजा, आया 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 रे राजा, आया रे राजा, आया रे राजा, आया रे राजा, अरे टेंशन ना लेना, आ गया राजा, आया रे राजा, आ गया राजा। हे 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 हे, सुनो नमिता, मैं 3 घंटे से इसकी नस ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। अच्छा ये बात है, रुको मैं अभी ढूंढ कर दिखाती हूँ। डॉक्टर मुझे बचाओ, डॉक्टर मुझे बचाओ, डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लो। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर?
मेरी शादी को आज 6 साल हो गए हैं। शादी होने के बाद मुझे तुरंत दुबई में काम मिल गया था, बस अभी लौटा हूँ और मेरी बीवी के साथ मेरे संबंध कुछ बन नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो तो पता चल ही रहा है। मैंने पैसे तो बहुत सारे कमा लिए लेकिन उस पैसे को संभालने के लिए कोई वारिस पैदा नहीं हो रहा। मेन पावर सप्लाई बंद है, फ्यूज भी गया हुआ है। आजकल इसके लिए बहुत सारी दवाइयां आ गई। जाकर 3 नंबर बेड पर लेट जाओ, मैं नर्स को भेजता हूँ। डॉक्टर, पावर तो आएगा ना? हाँ, फुल पावर आएगा। डॉक्टर, आप तो मेरे भगवान है, मैं आपका ऐसा नहीं भूलूंगा। ओके, ओके, पावर आएगा। यस डॉक्टर। 3 नंबर बेड पर लेटा हुआ पेशेंट है, उसको ये इंजेक्शन लगा। ओके डॉक्टर। अरे बाप रे। ए राजा, तेरा भाई आ रहा है, जल्दी से निकल ले। अंजलि मेरी बात सुनो, तुम अपनी माँ के घर पे मत जाओ। डॉक्टर ने वादा किया कि पावर सप्लाई शुरू हो जाएगा, तुम वापस लौटाओ अंजलि। अरे अंजलि मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। इंजेक्शन का असर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हाँ। फौरन वो इंजेक्शन मुझे लगा दो, आपकी वजह से मुझे एक वारिस मिल जाएगा। सॉरी, ये फौरन का इंजेक्शन था, बस एक ही बचा था, दूसरा आने में 3 महीने लगेगा। तो मेरा क्या होगा? तब तक कनेक्शन कट। कनेक्शन कट? क्या फालतू बात कर रहा है यार मंदिर। हाँ हाँ, ठीक है, बड़ा बनाओ। निकिता जी। दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? शॉपिंग। तो जल्दी आना। जी। जी दीदी। पता करो कि निकिता कहाँ जा रही है। ठीक है दीदी। निकिता ने यहीं तो बुलाया था, अब तक आई क्यों नहीं? शायद दीदी मुझ पर शक कर रही हैं, इसलिए बॉडीगार्ड्स को भेज दिया। अब अगर मैं राजा से बात करूंगी तो उसे खतरा होगा। वाह, यहाँ तो कृष्णमूर्ति भी है, मैं इसको बकरा बनाती हूँ। बहुत जल्द ही कोई प्यार करने वाला मिलेगा। हाय कृष्णा। हाँ, तुम ही से बात कर रहे हो, आओ ना इधर। हाँ तुम। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? I love you कृष्णा। तुम मुझसे? लेकिन उस दिन तो राजा से ऐसा कुछ कह रही थी। अरे वो भी सांवला है, तुम भी सांवले हो, उससे ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और अब रात को तुम मेरे सपनों में भी आने लगे हो। जूते से जैसे मारते हैं तो झटका लगता है, तुम्हारी बात से मुझे वही झटका लगा। आखिर वजह क्या है? हर चीज के पीछे कोई वजह तो होती है ना। हर चीज के पीछे? सही कहा, मेरी दीदी को हमारे प्यार पर शक हो गया है, इसीलिए उन्होंने हमारे पीछे गुंडे भेजे हैं। अगर वो तुम्हें मारे, तुम्हारे हाथ तोड़ दे, तुम्हारी टांगे तोड़ दे, तुम्हारा सर फोड़ दे, तो भी तुम्हारे मुंह से एक आ तक नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हारे खून का एक एक कतरा हमारे प्यार के पौधे को सींचने के काम आएगा। मुझे चाकू से काटेंगे तो खून जरूर आएगा, लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। जाओ। तो ये गया। आज मेरे प्यार का इम्तिहान है, आ जाओ। हेलो राजा, कहाँ हो तुम? कॉफी शॉप में हूँ। मेरी दीदी के बॉडीगार्ड्स मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो? वो तुम्हारा दोस्त है ना कृष्णा, मैंने उसे फंसा दिया और हमारे प्यार के खातिर उसकी पिटाई हो रही है। हे, तुम
तुम अभी तक जिंदा हो। मैं तुम्हारे प्यार में खून बहा रहा हूँ और तुम किसी से फोन पे लगी हुई हो। प्यार? वो भी तुमसे? आईने में शक्ल देखी अपनी? अरे अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रही थी। चल हट पागल। वहाँ देख, सेकंड राउंड के लिए आ गए वो। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें गलती से इंजेक्शन क्या लगा दिया? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? मुझे मिस कॉल दे के पिटवा दिया ना, लेकिन उसने तो सिम कार्ड ही बदल दिया। अपनी बैटरी दूसरे कनेक्शन में चार्ज कर रहा है वो। ये सब काम जल्द से जल्द होना चाहिए, समझ गया ना? हाँ। अरे आ गए, बैठिए। ठीक है। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या सेठ, ये क्या है? करोड़ों रुपया खर्चा करके आपने मेन बाजार में दुकान डाली है सेठ, और दुकान के बाहर छोटे मोटे धंधा करने वाले लोग बैठे हैं, ये क्या है सेठ? देखिए सर, आप इसके बारे में मुझसे मत पूछिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस दुकान में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इन फुटपाथ वालों ने चड्डी बनियान की दुकान खोलकर मेरे बिजनेस को खराब कर दिया। सर मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, चड्डी खरीदने वाला ज्वेलरी की दुकान में नहीं जाएगा, ज्वेलरी खरीदने वाला चड्डी की दुकान में नहीं जाएगा। वो लोग अपना परिवार चलाने के लिए रस्ते पर दुकान लगाकर चला रहे हैं, इससे आपको क्या तकलीफ हो सकती है भला? बेवकूफ पागल कहीं के, उसके सिर पर बाल नहीं तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना? सर आप कुछ भी कीजिए, उनके हाथ पैर तोड़कर वो दुकान वहां से खाली करवा दीजिए जल्द से जल्द। सेठ जी ये लीजिए इंस्पेक्टर, आपके लिए 10 लाख रुपए कैश, जैसा आपने कहा था हूबहू वही। अन्याय है, हम लोग 40 साल से यह दुकान चला रहे हैं, उस सोना से पैसे खाकर तुम हम गरीबों की दुकानें तोड़ रहे हो। मैं यहाँ के एसीपी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे कोर्ट तक लेके जाऊंगा, मैं उसकी कंप्लेंट करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मत करो, छोड़ दो मुझे, ये अन्याय है। क्या कर रहे हो? तो बचाओ, कोई तो बचाओ। मैं शपथ लेता हूँ कि संविधान का पालन करूंगा, देश के लोगों की रक्षा करूंगा। अभी तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं रहेगा, तू बर्बाद हो जाएगा। तूने सुनार से रिश्वत लेकर मेरे बेटे की जान ले ली, तू कभी कुछ नहीं रहेगा। तुझे किसने पुलिस में भर्ती किया? तेरा सर्विलांस हो, तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं रहेगा। मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, अब किसके सहारे में जीऊंगी? बहुत दिन से मांग रही थी तू, ये ले इसे पहन ले, मेरी मेहनत की कमाई है, पहना दूं? हाँ पहना दो। तू कभी कुछ नहीं रहेगा, तेरा सर्विलांस हो। मैंने दुनिया में बड़े बड़े कमीने देखे, लेकिन तेरा भाई ये तो जल्लाद है, गरीबों को लूटकर ऐसा गंदा काम कर रहा है। पानी डाल।
ये तो हिल रही है। इतने खूबसूरत लड़की पास में बैठी है तो फिर ये हिलेगी नहीं तो क्या होगी। हाँ। हाँ, मेरे साथ रहोगी तो ऐसा ही लगेगा। शहर के एसीपी होकर ऐसी गंदी और अश्लील हरकत कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? सर ये सब तो आप किसी होटल में जाकर भी कर सकते थे। मैंने इनसे होटल में ही चलने को कहा था। ए, वो बता सर, इतने दिनों से ये धंधा होटलों में चलता था, अब पुलिस की गाड़ी में चालू हो गया। आप सोचते हैं कि पुलिस वाले कुछ भी करेंगे तो चलेगा? वर्दी का इतना गुरूर आ गया आपको? सर हमारे सवाल का जवाब दीजिए। भाई ये क्या हो गया, आपकी ये हालत किसने कर दी? हाँ पता नहीं मैं क्या करूं, बोल के गए थे नाइट ड्यूटी पे जा रहे हो, ये है आपकी नाइट ड्यूटी? कैमरा बंद करो, हटाओ इसे, शक्ल को छुपाना आउट ऑफ फैशन है आजकल तो बड़े बड़े लोग पोज देते हैं। आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी जो दुनिया में किसी और ने नहीं की? लोग ऐसे काम करते हैं। चलिए अब जल्दी से पोज दीजिए, चलो फोटो खींचो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है भाई, अकेले खड़े होकर पोज देंगे? इसे भी तो साथ में पोज देना चाहिए, इसने भी तो रात को मेहनत की। चलिए आप हंसिए, देखिए वहां पर फोटो खींचो, फोटो खींचो। अरे आप बाकी रहिए, आराम से खड़ी हुई, हां खींचो खींचो। हवा में पुलिस की गाड़ी नहीं झूल रही थी, पुलिस की मान मर्यादा झूल रही थी। अब तक पुलिस वाले आम जनता की गाड़ियों को चेक करते थे, लेकिन आज से आम जनता पुलिस वालों की गाड़ियों को चेक करेगी। वो बड़ी हीरोइन बनी हुई थी और तुम सुपरस्टार गाड़ी में अय्याशी कर रहे थे। थू सर, जो लड़की एसीपी को फंसा सकती है वो कोई साधारण लड़की नहीं है सर। अगर इसका कांटेक्ट नंबर हम सबको मिल जाए तो पुलिस वालों को चोरों को फंसाने में आसानी हो जाएगी। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा सर? शट अप मिस्टर एस के पांडियन, पहले से ही आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। आप किसी न किसी वजह से आज तक बचते आ रहे थे, लेकिन ये घटना प्रेस, पब्लिक, चैनल सबके सामने है। अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तू पागल है क्या? अगर मजाक करना था तो एक हफ्ता छुट्टी लेकर कहीं बाहर चला जाता। अब सुन, फिलहाल मैं तेरी मदद नहीं कर सकती हूँ वरना मैं भी फंस जाऊंगी। सीएम भी शहर में नहीं है, थोड़ा वक्त गुजरने दे फिर देख लेंगे। आज हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है। धनेश्वर प्रसाद जो ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं, उनको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की और तहकीकात होगी। सीबीआई ने दावा किया है कि वो जल्द ही इसकी तह तक जाएंगे और इसका खुलासा करेंगे। आप जानते हैं मौसम का हाल। बंद करो इसे। कोई हम पर नजर रखकर हमसे खेल खेल रहा है। मुझे तो राजा पे शक हो रहा है, क्योंकि वो जिस दिन से घर में आया है ना, हम पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। इसका मतलब ये सब काम कहीं राजा तो नहीं कर रहा है? वो जरूर राजा ही होगा, क्योंकि वो ब्लैकमेल के तौर पे हमसे पैसे नहीं बल्कि लोगों की भलाई करने के लिए कह रहा है, और कहता है अगर बात नहीं मानी तो सजा देगा। करेक्ट भाई, तुमने एक बात पर गौर किया है? जब हमारे पास फोन आते थे तब राजा हमारे साथ नहीं होता था, क्यों? राजा भाई, भाई
आपके लिए फोन आया है। ऐसे इधर उधर क्या देख रहे हैं, फोन आपके लिए ही है। कोई बोल रहा था बहुत जरूरी काम है, आपसे ही बात करनी है। हाँ हेलो। क्यों बे डॉक्टर, मेरा अगला निशाना तू ही है, तुझे भी मैं सबक सिखाने वाला हूँ। पता नहीं किस कमीने ने तुझे डॉक्टर बनाया, गरीबों की जिंदगी के साथ खेलता रहता है। मैं तुझे एक अच्छा डॉक्टर बना के ही रहूंगा, तब तक तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। क्या हुआ, आपका चेहरा ऐसे उतर क्यों गया, कौन है फोन पर? वही है, वही कमीना मुझे धमकी दे रहा है। ए, कौन है रे तू, हाँ कहाँ से बोल रहा है? तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर मारूंगा, समझे? मेरे भाइयों को क्या धमकी दे रहा है, हिम्मत है तो मुझसे बात कर। अब मुझे ही बोलना होगा, कैसेट तो खत्म हो गई, अब सुन दिखा अपना कमाल। सुपर, अरे सुपरमैन, बैटमैन, रैम्बो, यहाँ तक कि हॉलीवुड के सारे फाइट मास्टर्स को मैं जानता हूँ, समझा? फोन में से धमकी देना बंद कर, सामने आएगा तो कुछ बोलने लायक नहीं बचेगा। ए, असली मर्द है, एक बाप की औलाद है, तो हिम्मत करके सामने आ, फोन पे धमकियां देना बंद कर। तू कुछ ज्यादा बोल रहा है। ए, ओवर एक्टिंग मत कर, चल फोन रख। रख दिया। हेलो हेलो, रख दिया। क्या बोल रहा था? क्या बोलेगा, मेरी बातें सुनकर डर गया, घबरा गया वो। भाई हमारे परिवार को ना नजर लग गई है, इसलिए मैं मंदिर गया था और वहां से आप सबके लिए पूजा की भभूत लाया हूँ। अच्छा। अरे ऐसे नहीं लगाते हैं, इसे साइडवाइज नहीं सीधा लगाते हैं। इधर आई। इसे अपने पास ही रखना। अच्छा। लगाते रहना। Yes? ये पेशेंट की एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, आप इसे देख लीजिए, मैं ऑपरेशन थिएटर तैयार करती हूँ। ठीक है, आप चलिए मैं देखता हूँ। सर पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। लफंगा मैं नहीं हूं, मेरा भाई है। ओके, ऑपरेशन की तैयारी करो। वहां देखो, हर रोज जो भी नर्स यहां पर कपड़े बदलती है, मेरा भाई उसे अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर देखता रहता है।
तुम चिंता मत करो, टूटे हुए कैमरे को देखकर और उसके कमरे से गायब लैपटॉप को देखकर वो पूरी तरह हिल चुका है। तुम्हारी मदद के लिए तुम मुझे कभी भी कहीं भी बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें एक और जरूरी बात का ध्यान रखना होगा, हम जब भी मिलेंगे छुप के मिलेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से हमें दिन में मिलने के बजाय रात में मिलना चाहिए, यही ठीक रहेगा। अगर हम दोनों के मिलने की बात तुम्हारे भाई को पता चल गई और अगर मुझे कुछ हो गया तो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। इससे पहले कि कोई हमें साथ में देख ले, यहां से चलते हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसे। जब से तुम मुझे मिले हो मुझसे मीठी मीठी बातें करते हो और यहाँ आकर किसी और को पटा रहे हो, शर्म नहीं आती हा? मेरा सोना, मेरा बच्चा। छोड़ो, छोड़ो मुझे राजा। दीदी, हमने आपकी बहन के आशिक को पकड़ लिया है, इसे मार के समंदर में फेंक दें क्या? नहीं, ऐसा मत कर। उस हरामी के हाथ पैर तोड़कर कपड़े में लपेट कर उस कुत्ते को मेरे पास ले आ। मालेगांव में चार गलियां हैं, दो जाति के लोग हैं, सुबह खेती के लिए निकलते हैं, शाम को आ जाते हैं, और उस गांव का राजा है तू। लेकिन मैं इस शहर में रहती हूँ, यहाँ हजारों गलियां हैं और इन गलियों में रहकर मैं बड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैंने पार्टी ढूंढी, उसकी मेंबर बनी, लीडर बनी, एमएलए बनी और अब मैं मिनिस्टर बन गई हूँ। यहाँ की रानी तो मैं हूँ ही और राजा भी मैं ही हूँ। देखने में तो मैं बहुत ही खूबसूरत और नमकीन हूँ, लेकिन अंदर से मैं काली नागिन से भी खतरनाक हूँ। सुना, तेरी तो तेरे गांव में ही बोटी बोटी कर देनी चाहिए थी, लेकिन साला तू बच गया। किस्मत वाला है ना, नीच मेरी बहन से प्यार करता है। हाँ लारे, राजा को है बहुत अहंकार, तेरा करूंगी मैं अंतिम संस्कार। मैं यहाँ आपकी बहन से प्यार करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे उससे ज्यादा अपनी जिंदगी प्यारी है, मुझे मुझे माफ कर दो प्लीज। कल तक तो तू बहुत फुदक रहा था, आज तू आसमान से जमीन पर टपक पड़ा। मेरे पैर छूकर माफी मांग ले, मैं तुझे छोड़ दूंगी। चल जल्दी कर। क्या रे, क्या सोच रहे हैं? पैर छूकर मेरा आशीर्वाद ले ले। चल जल्दी कर। आपके पैर छूने से पहले अपने आदमियों से कहिए कि वो मुझे जान से ना मारे। डरो मत, मैं उसे बोल दूंगी। तू बहुत मार खा चुका है इसलिए तू डर गया है। हेलो रवि गालिया है क्या? रवि नहीं है, मैं उसका साला बोल रहा हूँ। अबे रवि को फोन दे। बात नहीं हो सकती, हम लोग अभी गांव में हैं। वहाँ क्या कर रहे हो? आपने इसे जिस लड़के को मारने भेजा था उसने इसकी मार मार के हालत खराब कर दी, इसे लकवा मार गया है। हेलो रजा टेला, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। आज के बाद आप इसे मारपीट के लिए मत बुलाइएगा, एक राजा नाम के लड़के ने इसका मार मार के बुरा हाल कर दिया।
इसकी हालत बहुत खराब है, इसकी याददाश्त भी चली गई है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। क्या हुआ, हवा निकल गई? धारावी की सड़ी हुई गली में पैदा होकर गटर के पास गांजा बेचकर गैर कानूनी दारू का धंधा करके तुझे इतनी चर्बी आ गई है, तो जरा सोच मुझ जैसे गांव वाले में कितनी ताकत होगी जो जड़ी बूटी खा खा कर पाला बड़ा है। मुझसे टकराएगी, चूर चूर हो जाएगी। ए शैलू, तू मुकेश हाथगाड़ी वाले को जानती है ना? अरे वही जो हाथगाड़ी भी चलाता था और तुझे भी, ऐसे कई लोगों के साथ इधर उधर मुंह मार मार कर आज तू मिनिस्टर बन गई है हा? अगर तेरी ये करतूतों का सबको पता चल जाए तो तेरी जिंदगी का क्या होगा रे शैलू? तुझे क्या लगा मैं तुझ जैसी औरत के सामने झुक जाऊंगा और तू मुझे मसल कर आगे निकल जाएगी हा? अपने आप को बहुत शानी समझती है तू हा? पर तू भूल गई तुझसे बड़ा शाना या तेरे सामने खड़ा है। अगर मैं अपनी औकात पर आ गया ना तो अगला पिछला हिसाब सब एक हो जाएगा। सुनो, तुमसे पहले जो आए थे सब अस्पताल पहुंच चुके हैं, तुम्हें अभी जाना है या बाद में? चलो निकलो। हाँ तो शैलू, इतनी चुप क्यों हो गई? शतरंज में राजा भागता रहता है लेकिन असली जिंदगी में राजा दौड़ाता है, इसलिए मैं हूँ राजाओं का राजा जो धीरे धीरे बजाता है बाजा। अरे हाँ, तेरी बहन के बारे में बताना तो भूल ही गया, अब बिना शर्माए तुझे बता ही देता हूँ, मैं तेरी बहन से प्यार करने वाला हूँ, ये डिसाइड कर लिया मैंने। निकिता मैं आ गया हूँ, आ जा। आ रही हूँ जानू। पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? दरअसल तुम्हारी बहन को हमारे बारे में पता चल गया है और उसने मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम अपनी चप्पल निकाल कर इसके गाल पर खींच कर मारोगी तब। जानू तुमने कहा है तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो दीदी हो या कोई और। I love you, Nikita. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कुत्ते! तूने मेरी बहन से मुझे मार खिलवाया ना, मैं तुझे देख लूँगी। ची 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 ची। जो आदमी तेरी बहन से शादी करने वाला है उसी को देखने की बातें करती, शर्म नहीं आती तुझे कुलक्षणी? ची। खैर छोड़ो, मुझे सबसे क्या करना है, हम तो चले गाना गाने, पसंद आए तो ताली बजाना। कैसे छुटे कोई रास्ता दिखा दे, इस हंसी बला से कोई मुझको बचा ले। जाने नहीं दूंगी, लाख कोशिश तू कर ले, बाहों से मेरी कैसे जाएगा निकल के। चुंपचिका 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 चिका चा, फंस गया रे फंस गया, प्यार में तेरे फंस गया, कुछ भी ना सुझा मुझे डूबता चला गया। चुंपचिका 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 चिका चा, चुंपचिका 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 चिका चा, चुंपचिका 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 चिका चा, चुंपचिका 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 चिका चा। Thank you.
गरीबों की मदद करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले डॉक्टर पॉल पांडियन को उनकी सेवा के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड देने के लिए हमारी हेल्थ मिनिस्टर गरीबों की मसीहा असेंबली की शेरनी खूबसूरत सुंदरी गांजा शैलजा शैलजा जी आ रही है। ये अवार्ड और पद देता कौन है यार? अरे ये सब ये अवार्ड ये सारी चीजें ये लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि किसको कब और कहाँ देना है। ये किसी को पूछते थोड़ी ना है, ना ही जनता को पता होता है क्या हो रहा है, समझा के नहीं। और अब आपके सामने है हमारी हेल्थ मिनिस्टर शैलजा जी। शरीर मिट्टी के लिए, जान आपके लिए। मेरे भाई जैसे डॉक्टर पॉल को अवार्ड देने के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि ये भी मेरी तरह आम जनता की सेवा करते हैं, उन पर अपनी जान छिड़कते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कैसे दिन रात इस शरीर को कष्ट देकर मेहनत कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी साझेदारी निभा रही हूँ। डॉक्टर पॉल भी हमारे जैसे ही हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। हेलो, जिस काम के लिए पढ़ाई की थी वो काम तो ठीक से कर नहीं रहा है, दूसरा पद क्यों चाहिए तुझे? करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। हॉस्पिटल में बैठे बैठे तू क्या करता, उसके सारे सबूत है मेरे पास, तेरा लैपटॉप मेरे पास है। अगर वो लैपटॉप कोर्ट पहुंच गया तो तेरा हॉस्पिटल सील हो जाएगा। अरे बापरे, तुम ऐसा मत करना प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। ये मत समझना कि मैं सच में गड़गड़ा रहा था। बेवकूफ हो तुम, उसमें सिर्फ मेरी ही इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत के साथ साथ उसमें 100 लड़कियों की इज्जत भी छुपी हुई है। अगर वो लैपटॉप कोर्ट तक पहुंचा तो उसमें जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी बेइज्जत होकर खुदकुशी कर लेगी। मेरे दो भाई अपनी गलतियों की वजह से फंस गए, लेकिन मैं गलतियां भी सही ढंग से करता हूं। याद रखना, मुझे फंसाना इतना आसान नहीं। फोन रख। सर,
सिर्फ यही नहीं, जब हमारे पार्टी के नेता श्री नारायण तिवारी जब बीमारी की वजह से अपनी मौत से लड़ रहे थे, तब उन्हें डॉक्टर पॉल ने ही बचाया था। सुन, यहाँ से हॉस्पिटल जाने में कितना वक्त लगेगा? 20 मिनट। और फंक्शन खत्म होने में आधा घंटा है। चल मेरे साथ। बंद हो गए हैं। इनके जैसा महान पुरुष कहाँ? हाँ बोलो नमिता। सर सर, चार लोग आए, मुझे चाकू दिखाकर डराकर आईसीयू में ले गए और मुझे यहाँ पर लॉक कर दिया है। सर ये क्या कर रही हो? बाकी मैं बताता हूँ, आईसीयू में इस क्षेत्र के एक नेता श्री नारायण तिवारी इस वक्त ड्रिप्स पे हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी अगर उनके नाक पे लगी हुई चीज को मैं हटा दूंगा तो। क्या धमकियां दे रहा है, बोल, निकाल दिया लफंगे। तो कमीने, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हॉस्पिटल के बाहर लाखों लोग खड़े हैं, अगर उनके नेता को कुछ भी हुआ ना तो तू तो जानता ही है तेरा हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, तू 100 गरीबों को फ्री में हार्ट का ऑपरेशन करके देगा, ऐसा इसी वक्त फंक्शन में खड़े होकर माइक में अनाउंस कर दे, ठीक है? अरे पग, इतने सारे ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा होगा पता है तुझे? अरे इतना हराम का पैसा कमाया है, थोड़ा खर्चा भी कर। क्या कर रहा है ये, लूडो नहीं है? अरे जाने देना, वैसे भी इसने देश के लिए क्या किया है, कई बार जात के नाम पर लोगों को लड़वाया है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो इसका ट्यूब निकाल दूंगा। ऐसा कुछ मत करना प्लीज। अभी अनाउंस कर, मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। हाँ, मुझे हाँ, पूरी उम्मीद है। तो जल्दी करना, मुझे इस भलाई के काम से कोई मैं आप सब लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैंने 100 गरीबों का मुफ्त में हार्ट ऑपरेशन करने का फैसला किया, इसलिए उन सबका हार्ट ऑपरेशन मेरे ही हॉस्पिटल में होगा। कोई न टेंशन लेना, मैं हूँ राजा, घबराओ ना, आ गया है राजा। कोई न टेंशन लेना, मैं हूँ राजा, घबराओ ना, आ गया है राजा। अरे ना समझो को समझाने आया रे राजा, आया 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 रे राजा, आया रे राजा, आया रे राजा, आया रे राजा। अरे टेंशन ना लेना, आ गया राजा, आया रे राजा, आ गया राजा। मुझे हार्ट की बीमारी है, इस बात का पता चलते ही मेरे भाई ने इलाज करवाने से मना कर दिया और कहा कि जो करना है तो खुद ही कर, लेकिन आपकी वजह से मेरी जान बच गई। आप सिर्फ मेरे भाई नहीं, माँ, बाबूजी, सब कुछ आप ही हैं। सर सर, एक छोटा इंटरव्यू। सर, आपको सर, मुफ्त में इलाज करने का आइडिया कैसे आया? ये आप कैसे सवाल पूछ रही हैं? क्या कोई फोन करके धमकी देगा कि फ्री में सबका ऑपरेशन करो? ये मेरे भाई का ही आइडिया था, उसका दिल शेर जैसा है, हजारों लोगों का फ्री में ऑपरेशन करना ये मेरे भाई का इरादा था। चाहे इनका घर बिक जाए, ये रास्ते पे आ जाए, भीख मांगने लगे, लेकिन ये अपना वादा पूरा करेंगे। सही कहा ना? हाँ सही कहा। हाँ भाई, पोस्ट दो, पोस्ट दो, ले फोटो, ले पोस्ट दो भाई, पोस्ट पोस्ट। मेरे 50 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल मैं तेरे नाम पर चला रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सारे भिखारियों का मुफ्त में इलाज करके मुझे रोड पर ले आएगा। उस दिन तूने मीडिया के सामने जो मुफ्त में ऑपरेशन की बात की, तो मुझे लगा तू पब्लिक को उल्लू बना रहा है, लेकिन तूने तो मुझे ही चूना लगा दिया। मुझे तो लगता है कि ये ऑपोजिशन का कोई नेता करवा रहा है, मुझे धमकी देकर जबरदस्ती ये अनाउंसमेंट करवाई गई है। अब हुआ यूं कि मैडम, हमारी थोड़ी सी लापरवाही हुई और अब हम सब फंस गए हैं। अब आप ही हमें बचा सकती हैं मैडम। अरे बाप रे, ये सब क्या है? मर्द को शेर की तरह रहना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो एक औरत के पैर में गिर गए। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ी देर इस तरह पड़े रहो, अच्छा लग रहा है। रुक। मेरे होते हुए तुम लोगों को किस बात की चिंता है? ऐशाने, मैं धारावी की शैलजा बोल रही हूँ। अभी 10 मिनट के अंदर डॉक्टर पॉल के हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथों में आने चाहिए, नहीं तो मैं तुझे वापस राजस्थान में ऊंट चलाने के लिए भेज दूंगी। एक ही फोन में हॉस्पिटल वापस ले लिया, इसके पद में तो बहुत ताकत है। अरे पद की क्या बात कर रहा है तू, जब ये गांजा बेचती थी तो एक बहुत बड़े सेठ के पास जाती थी, वही सेठ आज बड़ा मिनिस्टर बना हुआ है। मैंने तो ये भी सुना है कि ये उसकी रखेल है, बहुत पुराना याराना है दोनों का। हाँ, मंडे को सीएम दिल्ली से आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उन्हीं के हाथ में, मैं उनसे बात करके तुझे एसीपी से कमिश्नर बना दूंगी। चल अब निकल। अरे बाप रे, अगर इन तीनों को काम वापस मिल गया
तो ये गंदगी का दरिया बहा देंगे। राजा जरा मैडम के लिए जूस लेकर आओ। अरे अगर तू जूस लेकर जाएगा तो वो पागल तुझे देख लेगी। शैलजा को पता चल जाएगा कि तू इन तीनों का भाई है और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तू यहीं रुक, मैं जाके आता हूँ। पागल वो नहीं तू है, वो हम दोनों को साथ में देख चुकी है। ए, जल्दी लेकर आओ, मैडम वेट कर रही है। अरे कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी लेकर आओ। क्या सोच रहा है तू? ये क्या हाल बना रखा है तूने? सिर पर तेल लगा हुआ था, शेव करने के लिए क्रीम लगा रहा था, एकदम से आप लोग चिल्लाने लगे जूस लेकर आओ जूस लेकर आओ, तो जूस लेकर आ गया। लो पियो। तेरी आवाज को क्या हो गया? थोड़ी सर्दी हो गई है। भाई आप भी लो ना। मैडम कैसा लगा जूस? बहुत अच्छा है। जूस भी आपके रंग की तरह ही लाल लाल है। आप मेरे सभी भाइयों को पोस्ट बांट रही हैं ना? ये सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। लेकिन आप अपनी पोस्ट को भी संभाल के रखेगा, वरना कोई कमीना के छीन ना ले। मैडम जरा पल्लू संभाल कर बैठिए। आजकल की औरतों को अपना बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता। अच्छा सुनो, कल मैं चीफ गेस्ट बनकर एक मंदिर के फंक्शन में जा रही हूँ, तो याद रखना अपने आदमियों को लॉरी में भर कर लाना, ताकि पार्टी को लगे कि मेरे पास जनता का सपोर्ट है। इस बार मैं सीएम बनने की पूरी तैयारी में हूँ। मेरे भाइयों को पोस्ट तो तब दिलाएगी ना जब तू खुद पोस्ट पर रहेगी। इस मंदिर में शामिल होने आ रही है हमारी माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्रीमती शैलजा। थोड़ी देर में वो यहाँ पधारने वाली है। कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। सुनो कमिश्नर। यस मैडम। मंदिर के चारों तरफ सही सलामत बंदोबस्त है ना? जी मैडम। मैं हमेशा बहुत सावधानी बरतती हूँ। ओके मैडम। दम मारो दम। तू यहाँ क्या कर रहा है? ड्राइवर गाड़ी रोक। सॉरी मैडम, गाड़ी तो नहीं रुकेगी। हा? गाड़ी अब सीधा जाके मंदिर में ही रुकेगी, ये राजा का हुक्म है। आप जिस व्यक्ति को संपर्क करना चाहते हैं, वो फिलहाल किसी और आदमी के साथ करीबी रिश्ता बना रही है, इसलिए बाद में फोन कीजिएगा, ठीक है ना? अगर तुझे और तेरी बहन को कंपेयर किया जाए तो वो मुझे हवा निकली भी फ्लैट टायर लगती है, और तू बाप रे बिल्कुल डनलप गद्दे की तरह है। सोच रहा हूँ पार्टी बदल लूं। तू शर्ट क्यों उतार रहा है? दिल्ली पहुंचते ही जब सब लोग हमें साथ में देखेंगे ना तो पूछेंगे ना क्या किया, तो वही तो कर रहा हूँ मैं। चल इज्जत से शर्ट पहन ले। अब तू शर्ट और पैंट की चिंता छोड़ दे। हा? ये सोच के जब हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कैसी खलबली मच जाएगी, तुझ पर कैसे कैसे सवाल उठने लगेंगे, तेरी तो इज्जत नीलाम हो जाएगी रे। कैसा लगा तुझे मेरा प्लान? ए, जानता है तू किससे पंगा ले रहा है? चुपचाप अपनी शर्ट पहन ले। ठीक है मैं शर्ट पहन लूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे ये ड्रेस पहननी पड़ेगी। पागल इतनी छोटी ड्रेस में कैसे पहनूं? श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। ले मंदिर भी आ गया, जब तू सिंगल पीस में बाहर निकलेगी ना तो सब लोग तुझे ऊपर से नीचे देखेंगे और मंदिर के भक्त लोग तेरे छोटे छोटे पीस कर देंगे। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। श्रीमती शैलजा। अब मैं इसी हाल में नीचे उतरूंगी और चिल्लाऊंगी कि तू मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था। तो मंदिर में आए हुए मेरी पार्टी के मेंबर तुझे पागल कुत्ते की तरह मारेंगे और तेरा खून भी जाएंगे।
ठंडी ठंडी एसी वैन में एक खूबसूरत लड़की और एक जवान लड़का उससे जबरदस्ती कर रहा था और पार्टी के लोग नाराज हो गए और उस लड़के की पिटाई कर दी। लड़की से बलात्कार करने वाले को 7 साल की कड़ी सजा मिल गई। एक घरेलू औरत के सामने अगर तू अपनी शर्ट निकालेगा तो वो फूट फूट कर रोएगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुझे तो अक्ल ही नहीं है कि किसे कैसे पेश आना चाहिए। मैं तो इसी हाल में अभी के अभी नीचे उतरने को तैयार हूँ। हाँ, तू उतरने को तैयार है तो अभी उतर। चल उतर, फट गई क्या? चल उतर, उतर ना। शैलू, तुम तो मेरे मजाक से नाराज हो गई। तुम्हारे सेल पर एक पिक्चर मैसेज भेजा है, वो जरा देख लेना। हाँ, एक छोटा सा MMS है, देखो। तू कितने लेवल तक गिर सकती है ये मुझे अच्छी तरह पता था, इसलिए मंदिर के ट्रस्टी का मर्डर करते वक्त मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था सेफ्टी के लिए, और अब मेरे काम आ गया। जो मैसेज मैंने तुझे भेजा है, अगर वो मैं सारे लोगों में बांट दूं तो हजार लोग, नहीं, लाखों करोड़ों लोग तेरी जान के प्यासे हो जाएंगे और फिर तू धड़ धड़ भागती फिरेगी। तू मुझे जानता नहीं। तू कचरा है, मैं फूल हूँ। तू बदबू है, मैं खुशबू हूँ। तू गटर है, मैं नदी हूँ। इसलिए ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं, जितना बोला है उतना कर, समझे? अब इसे पहनकर बाहर जा। श्रीमती शैलजा जिंदाबाद, 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 श्रीमती शैलजा जिंदाबाद। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? एक हेल्थ मिनिस्टर होके तुम मंदिर में ऐसे चली गई? मुझे तो लगता है किसी दिन तुम संसद में बिना कपड़ों के ही आ जाओगी। नहीं सर, असल में गाड़ी में जाते वक्त मैं एक लड़का आ गया था तो उसने अपनी शर्ट उतारी और मैंने अपनी साड़ी उतारी। जी, क्या गंदी औरत हो तुम। नहीं सर, आप मेरी बात समझिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है कि तुम्हें पार्टी से धक्के मार के निकाला जाए। डॉक्टर पॉल पांडियन ने 100 गरीबों का मुफ्त में हार्ट ऑपरेशन किया। उनके इसी काम को देखकर सरकार ने उन्हें बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड देने का फैसला किया है। हमारे देश के CM ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। उनके छोटे भाई राजा ने हमारे संवाददाताओं से कहा कि डॉक्टर पॉल पांडियन बचपन से ही गरीबों की मदद करना चाहते थे और आज ये काम करके उनका लक्ष्य पूरा हुआ है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। क्या मैडम, दिख नहीं रहा है क्या? पुरानी शैलजा वापस आ गई है। अब मेरे कहर से कोई नहीं बचने वाला। जल्दी CM बनने वाली MLA शैलजा को दोबारा संडास के सामने गांजा बेचने वाली शैलजा बनाने वाला और कोई नहीं, तेरा भाई है। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है मैडम। अगर ये सब उसने किया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके सामने लाकर मैं खुद उसे मारूंगा।
लोगों की जान में बहुत दम है। जब मैंने मंदिर के ट्रस्टी को मारा तो तुम साले मेरे साथ थे और वहाँ पर मेरी फोटो भी खींच ली और मेरी सारी जानकारी अपने भाई को दे दी, मुझसे पैसे भी लिए और मेरा पद भी छिनवा लिया। सालों क्या राजनीति की। मैडम, ऑपरेशन के बाद उस लड़की को मैंने मारा था। अगर हम राजा को नौकर बनाकर नहीं रखते तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाता। मैडम, हम लोग आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? अरे वाह अरे वाह, सलमान, शाहरुख, आमिर तीनों एक ही पिक्चर में होंगे ना, तो सच कहती हूँ ऐसी ही एक्टिंग करेंगे वो भी। सब टपक जाओगे और रोते रोते तुम्हारा प्यारा भाई भी आ जाएगा। उसे भी तुम लोगों के पास जल्दी भेज दूंगी। तुम लोगों का भाई राजा आएगा पीछे पीछे, ढूंढू तुझे राजा, खाएगा गोली आजा। जैसे ही आएगा भून दूंगी आजा, राजा का देखो आज बज जाएगा बाजा। राजा का राजा, देखो आज बज जाएगा राजा, मैं तेरा भाई बोल रहा हूँ। हम जिस शैलजा को अच्छा समझते थे उसने हम तीनों भाइयों को गोली मार दी और अब वो तुझे मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए तू यहाँ मत आना मेरे भाई, कहीं भी भाग जा, यहाँ मत आना, तू भाग जा। भाई भाई क्या हुआ तुझे? भाई उठना, भाई ये सब क्या हो गया? भाई उठो भाई ये क्या हुआ? भाई किस्मत वाला है राजा, तीनों भाई को एक साथ चिता देने वाला सिर्फ तू ही होगा दुनिया में। लेकिन उनकी चिता को आग लगाने के लिए मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी, तब ना। तुझे तेरे स्टाइल में समझाती हूँ। शैलजा रखती है हर बात की खबर और हिसाब करती है बराबर। तीनों को क्या करना है मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम अपने भाई को तड़पा तड़पा के मारोगे और उसकी लाश को मेरे जन्मदिन पर तोहफे के रूप में दे दोगे, तो बात समझ में आई ना? तेरे हैं लेकिन काम मेरे लिए करते हैं और इसीलिए तुझे नाटक करके यहाँ पर बुलाया है। सुन डॉक्टर, कल मेरा जन्मदिन है,
कल हजारों लोग मुफ्त में ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल आएंगे। हम इस फंक्शन में सीएम को भी बुलाएंगे, वहाँ पर बॉम्ब रख देंगे और सभी के बॉम्ब ब्लास्ट में चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। इसका इल्जाम हम सीएम पर डाल देंगे और अगली सीएम मैं बनूंगी। इस हराम के पिल्ले को गड्ढे में जिंदा डाल दो।
राजा, तूने अपने भाइयों को डॉक्टर बनाया, लॉयर बनाया, पुलिस वाला बनाया, लेकिन तू आज उनके लिए ब्रह्म बनेगा। उनके कर्मों की सजा तू देगा। आज तू इन राक्षसों का वध करेगा और भगवान शिव तेरा साथ देंगे। एनकाउंटर के नाम पर तूने कितने बेगुनाहों की जानें ली हैं? ये नहीं, आज तेरा एनकाउंटर होगा। नहीं, कसम पैदा करने वाले की मैं तुझे फांसी दूंगा। राजा, I'm sorry.